मैं निशात हुसैन निजार, स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर। आज आप सब साथियों के माध्यम से सबसे पहले जनाब अभी जो एक बड़ा सानिया पेश आया हुआ है राजौरी में, ये जो खतरनाक बात हुई है जिसमें हमारे कई चार साथी शहीद हो गए और कई सारे जख्मी भी हो गए हैं। पहले हम आपके माध्यम से अपनी पार्टी की तरफ से इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस सानिया की जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। असल में हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि लोग पार के अजायम को देखें। हमने पहले भी बोला हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसकी जो साजिशें हैं वो साजिशें सिर्फ इसलिए हैं कि यहाँ जो कई सालों से अमन का गहवारा बन रहा था, हालात पटरी पे आ रहे थे, अमन की तरफ कश्मीरी बढ़ रहे थे, उससे पाकिस्तान के जो उनके जो खतरनाक अजायम थे तो उनमें उनको लगा कि शायद वो नाकाम हो रहे हैं और आज की डेट में वो चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अमन के इस गहवारे को ठेस पहुंचाए, इसको नुकसान पहुंचाए और इसको डिरेल किया जाए। तो हमने पहले भी बोला था पाकिस्तान में जो अभी ISI का सिस्टम चल रहा है वो किसी तरीके से यहाँ कश्मीरियों को फिर से जिंदा रहने जीने और उनको अपने जो उनके अमन के मामला थे उनमें कामयाब नहीं देखना चाहते हैं। लिहाजा वो ऐसी ऊंची हरकतें और ऐसी चीप हरकतें कर रहे हैं। तो हम कश्मीरी अवाम से यही गुजारिश करेंगे वो पाकिस्तान के नजायम को अच्छे तरीके से समझे। ये एक सूझी समझी साजिश है जिसके तहत हमको वो बिखेरना चाहते हैं, हमको हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। हम कश्मीरी अवाम के जितने भी हमारे फिरके हैं उनसे हमारी गुजारिश रहेगी वो होश के नाखून लें, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारे अमन के गहवारे को जिसको हमने बड़ी मुश्किलों से संभाला हुआ है आज की गवर्नमेंट ने।